नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम दिनांक 8 नवंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:11 से लेकर 12:35 तक, और राहु काल, जिसे हम अशुभ काल भी कहते हैं, वह है दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा दोपहर 1:42 तक तुला राशि में भ्रमण करेगा। उसके बाद यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन चंद्रमा और मंगल का केंद्र होने जा रहा है, और चंद्रमा और गुरु की युति भी आज के दिन होने जा रही है। तो यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण था, और दोपहर 1:42 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके लिए आज का दिन एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। दोपहर तक आपका मूड बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आपकी जो ग्रह स्थिति है वो बहुत ही अच्छी चली होगी। दोपहर के बाद थोड़ा बहुत आपका मूड खराब नहीं हो सकता, लेकिन छोटे मोटे कारणों के कारण आप थोड़ा सा ज़्यादा विचार कर सकते हो, और आपकी जो राशि है वह राशि विचार करने के बाद थोड़ी जल्दी से रिएक्ट करती है, तो उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, तो जो आपके इन-लॉज होंगे, अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन-लॉज होंगे या फिर ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ आपके अच्छे रैपो हो सकती है, उनके साथ आपके विचार मिल सकते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत खटास पैदा हुई थी वो नॉर्मल होने के भी चांसेस हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। थोड़ा बहुत सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आज दोपहर 1:42 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो दोपहर तक आपकी एक मनस्थिति होगी, और दोपहर के बाद आपकी जो मनस्थिति है उसमें बदलाव आ जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद जो मनस्थिति होगी आपकी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही नॉर्मल होगी और पॉजिटिव भी होगी। करीबन 2-3 दिन में आपने थोड़ा बहुत यह देखा होगा कि जिस विषय पर आप काम कर रहे हो उस विषय से आपको कुछ अच्छे आसार नहीं दिख रहे थे, या फिर आप थोड़े नर्वस भी हुए थे, लेकिन आज के दिन मतलब दोपहर के बाद यह जो पूर्णतः आपकी जो मानसिकता है वो बदलते हुए नजर आएगी, और शाम तक आप पूरे उत्साह के साथ जिस विषय पर काम करते हो उसी के आधार पर पूरी तरह से फोकस होगे। यदि आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ भी आपके जो रैपो रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, और दूसरी बात जो तालमेल जो हम बोलते हैं वो अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में हो तो वहां पर भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो आपका आज का दिन है वो बहुत ही शुभ और बहुत ही सुंदर है। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण था, और दोपहर 1:42 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए भी आज का दिन वैसे कहा जाए मोटे तौर पर तो अच्छा ही है, शुभ ही है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा बहुत सेहत को लेकर कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मतलब सेहत के बारे में ऐसे कुछ न कुछ दुविधा आ सकती है, ऐसे कुछ लक्षण आपको दिख सकते हैं। हालांकि ये जो लक्षण है वो छोटे मोटे होंगे, लेकिन आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी जल्दी से स्ट्रेस लेती है, टेंशन लेती है, खास करके आपके सेहत के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसे कुछ लक्षण आपको दिख सकते हैं आज के दिन, मतलब दोपहर के बाद। यह जो लक्षण है यह लक्षण हालांकि 2-3 दिनों तक ही रहेंगे, और जो भी आपको सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशन या सेहत के बारे में कुछ लक्षण दिखेंगे वो थोड़े बहुत, जिसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल रहेंगे, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। अगर आप किस कहां पर बिजनेस पे हो या फिर आप कहां पर नौकरी कर रहे हो तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आपके जो सब ऑर्डिनेट रहेंगे, मतलब निम्न स्तरीय जो आपके कोवर्कर रहेंगे उनके साथ थोड़े बहुत आपके बनेगी नहीं, इसके वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको लग सकता है। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और दोपहर 1:42 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आपके लिए पूर्ण दिवस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। आपने करीबन पिछले 2-3 दिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही शुभ तरीके से बिताए होंगे, और उसी मनस्थिति में आप होंगे। शाम के मतलब दोपहर के बाद जब जैसे ही शाम होते जाएगी चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएगा, तो जहां पर आप काम करते हो वहां की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप किसी जिसे हम स्टॉक मार्केट या ऐसे किसी व्यवस्था से पैसे अर्निंग करते हो तो दोपहर के बाद इसके बारे में बड़ी ऐसे कुछ ये नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, आपको थोड़ा बहुत उसमें लॉसेस वगैरह आ सकते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन तो अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत स्ट्रेस में आप रहोगे, जिसका कारण आर्थिक भी हो सकता है, या फिर जिस कारण के लिए आप थोड़ा बहुत सोच रहे थे उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे या फिर थोड़े बहुत
नेगेटिव बदलाव आ सकते हैं, जिसके जैसे थोड़ा सा मूड आपको शाम के वक्त थोड़ा आपका जो मूड रहेगा वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 1:42 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों से आप थोड़ा बहुत जिस विषय पर आप काम कर रहे हो उसी के बारे में ज्यादा सोच है, उसी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो तो दोपहर के बाद आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। थोड़ा आराम करना आप पसंद करोगे, घर पर रहना थोड़ा पसंद करोगे और फैमिली के ऊपर थोड़ा ज्यादा सोचोगे। खास करके जो गृहिणी है ये उनके बारे में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इतने दिन के बाद आपने बहुत सारा काम किया था तो थोड़ा बहुत आप आराम करना पसंद करोगे। लेकिन घर पर जैसे आप ध्यान दोगे तो घर के ऐसे कुछ कारण रहेंगे जिसके वजह से आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर के जो व्यक्ति रहेंगे, आपके मेंबर्स रहेंगे फैमिली के, उनसे लेकर उनको लेकर कुछ मन में दुविधा आ सकती है, विचार थोड़े आ सकते हैं कि जो कि थोड़े बहुत निगेटिव हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा नहीं सोचना क्योंकि एक आध दिन में ये सभी बातें नॉर्मल होने वाली है। उसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 1:42 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ है, जिस तरह से चाह रहे हो उसी तरह से बातें हो रही है। आर्थिक संदर्भ में भी आपकी जो राशि है वह अच्छी चल रही है। तृतीय भाव में दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा जाएगा तो जिस विषय पर आप काम करते हो उसी के बारे में थोड़ा बहुत आप सोचोगे। अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी के बारे में, अगर आप व्यवसाय करते हो तो उसके बारे में थोड़ी बहुत सोच आ सकती है। थोड़े बहुत आपके जिसे हम ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, छोटी मोटी यात्रा जिसे हम बोलते हैं वो भी हो सकती है। हालांकि पूरा दिन है वो पूरा दिन खास करके दोपहर के बाद का जो दिन होगा वो आपका थोड़ा कामकाज में ही जाएगा, तो दिन कैसे आया कैसे बीत गया उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो सोचने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। तो आपके लिए भी आज का दिन है वो अच्छा ही बीतेगा। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 1:42 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जैसे कि पिछले 1-2 दिनों में भी आपने देखा होगा कि जो परिस्थितियां है वो आप जैसा चाहते हो उसी तरह से हो रही है। दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में जाएगा तो खर्चे के कारण हो सकते हैं और वो जो खर्चे के कारण है वो आपके लिए अननेसेसरी हो सकते हैं। मतलब आप ऐसे सोचेंगे कि ये जो खर्चे हो रहे हैं वो मतलब अननेसेसरी हो रहे हैं, जिसकी अनावश्यक है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो खर्चे आप करोगे वो फैमिली मेंबर्स के बारे में ही करोगे, उनके ऊपर ही करोगे, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आएगा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपकी जो मनस्थिति है वो ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ऐसे बहुत बड़े ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने वाले, तो ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना। मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन आपके लिए भी अच्छा ही है, शुभ ही है। उसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि ने हालांकि पिछले 2-3 दिन बहुत ज्यादा थोड़े स्ट्रेस में गुजारे होंगे, थोड़े विचारों में गुजारे होंगे। मुझे पता है कि 2-3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार है उनके साथ आपके थोड़े बहुत अनबन हुए भी रहेंगे वैचारिक तौर पर, तो थोड़ा बहुत आपका जो दिन था इतना अच्छा नहीं था। लेकिन दोपहर के बाद, मतलब दोपहर 1:42 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके राशि में आ जाएगा तो शाम होते होते आपका जो मूड है वो पूरी तरह से नॉर्मल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिनों से आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार थे है वो आपसे अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहे थे, उनके कारण थोड़े बहुत मतभेद भी हुए थे। लेकिन आज दोपहर के बाद, मतलब शाम होते होते हुए आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार के जो संबंध थे वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। आपके मन में जो विचार थे वो भी सामान्य हो जाएंगे और आपका जो मूड है वो भी अच्छा हो जाएगा। आपके राशि में जो गुरु चल रहा है वो गुरु सभी प्रकार के छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है उससे आपको बाहर निकालेगा। इसके बाद की जो राशि है वह है धनुराशि। धनुराशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण था और दोपहर 1:42 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में आ जाएगा। तो आपके लिए भी अगर देखा जाए तो आज का दिन वैसे भी अच्छा है। पिछले 2-3 दिनों से आपका दिन बहुत ही अच्छा चल रहा था। पैसों के मामले में जहां पर आप काम कर रहे हो वहीं पर भी बहुत ही सही तरीके से समय चल रहा था। लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा बहुत ऐसी स्ट्रेस वाली परिस्थितियां आ सकती है, खास करके आपके जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स के लिए थोड़ा बहुत आपके मन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या फिर जिस विषय पर आप काम करते हो उसके बारे में भी कुछ ऐसे खबर आपको मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत निगेटिव हो सकता है। लेकिन यह जो मूड की बात है, यह जो प्रॉब्लम वाली बात है, हालांकि ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक चलेगी, उसके बाद फिर से नॉर्मल आपको जो आपका जो मूड है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। उसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण था, अभी यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में आ जाएगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा
केंद्र करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ है। जिस प्रकार से चाहते हो उसी प्रकार से जो बातें वो हो रही थी, और खास करके आप जिस विषय में ज्यादा रुचि रखते हो वो है प्रत्यक्ष लाभ। यह प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलने वाले हैं और आने वाले 2-3 दिन भी आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शुभ है। जिस प्रकार से चाहते उसी प्रकार से काम होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ घर के मामले में थोड़े बहुत आपके खर्चे होंगे और घर के जो व्यक्ति है उनके साथ खर्चों के मामले में थोड़ी बहुत आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करना, क्योंकि आपकी जो आय है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, तो उसके वजह से आपका जो मूड है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी बात, जैसे कि मंगल आपके द्वितीय आपके राशि में था, जो जब मंगल आपके द्वितीय भाव में गया है, जिसकी वजह से खर्चे के जो कारण थे वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं इन 2-3 दिनों में। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में करीबन 5-6 महीनों से जो मंगल था, आपने देखा भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि बहुत तरह से स्ट्रेस वगैरह, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आपकी कोई मिस्टेक्स भी नहीं थी, हालांकि आप मिस्टेक बहुत ही कम करते हो, तो भी कोई जो बातें थी वो आपके सहन करनी पड़ती थी। लेकिन अभी से, मतलब जैसे कि मंगल पिछले 1-2 दिन से आपके राशि में आ गया है, हालांकि तो जो भी स्ट्रेस, मतलब अनवांटेड स्ट्रेस थे वो बहुत ही कम हो जाएंगे, और खास करके यह जो आपकी राशि है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है आने वाले 1-1.5 महीने तक। बहुत से ऐसे काम होंगे वो आप निपटा लोगे, आप में ऐसी जिसे हम कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं वो बहुत ही बढ़ जाएगी, और आप जैसे कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हो तो वो जो डिसिप्लिनरी जो आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो मूल स्वभाव है वो ज्यादा उभर के बाहर आ सकता है, जो कि आपके आजू बाजू वाले जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे या फिर जहां पर आप काम करते हो वहां पर भी आपको महसूस होगा कि उन लोगों के लिए आप थोड़ा बहुत, जिसे हम बोलते हैं कि आप थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, ज्यादा ही कुछ ले रहे हो मन पे, ऐसी बातें हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी आप में आ सकता है ओवर डिसिप्लिनर के कारण, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज का दिन की बात अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके दशम भाव में आ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। सिर्फ जहां पर आप काम करते हो, अगर ऑफिस में काम करते हो या फिर आपका खुद का कोई व्यवसाय है, तो वहां पर कुछ ना थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, आपके यहाँ से कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है। यदि आप गृहिणी हो तो गृहिणी के लिए आज का दिन वैसे तो बहुत ही अच्छा है, जिस प्रकार से चाहोगे उसी प्रकार से काम होने वाले हैं। आज के दिन जैसे ही दोपहर 1:42 के बाद जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके दशम भाव में आ जाएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हो, लेकिन दशम भाव में चंद्रमा और गुरु की युति होने के कारण आप जो आपके जो घर के जो हालात होंगे वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही शुभ होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप जहां पर काम करते हो वहां के जो निम्न स्तरीय व्यक्ति होंगे उनसे भी आपको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के भाग्य भाव में से चंद्रमा का भ्रमण होगा दोपहर 1:42 के बाद। आपके अष्टम भाव में जो चंद्रमा था वह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में आ रहा है, तो दोपहर के बाद आपका जो मूड है बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि वहां पर स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, जिसके कारण आपके लिए बहुत सारे अच्छी घटनाएं घट सकती है, जिसे हम लक फैक्टर बोलते हैं, उसका भी आपको अंदाजा आ सकता है, या फिर आप अनुभव भी कर सकते हैं। एक ही बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके व्यय भाव में मंगल आ गया है, जिसके कारण 2-3 बातों में आपको परेशानी हो सकती है आने वाले 1-1.5 महीने में। जो भी आप काम हाथ में आपने लिए हैं वो जल्दी से पूरे नहीं हो जाएंगे, वो थोड़े बहुत पेंडिंग हो जाएगा, और सामने वाले व्यक्ति जो जिसने भी आपको कमिट किया है किन्हीं कारणों के कारण, वो कमिटमेंट वो पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके कुछ अपने प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा व्यथित हो सकते हो या फिर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ सकता है, ये बात चलेगी आने वाले करीबन 1-1.5 महीने तक 1-1.5 महीने तक। लेकिन आपके भाग्य भाव में जो गुरु है वो गुरु, ये जो स्ट्रेस वाली बात है, जो भी आप जिसका भी स्ट्रेस लगे, हालांकि वो जो स्ट्रेस वाली बात है वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं, लेकिन आपका जो नेचर है जल्दी जल्दी स्ट्रेस लेना या फिर आपका मूड ऑफ होना, इन्हीं के कारण आप थोड़ा बहुत खुद को ही स्वयं को ही थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी आप स्ट्रेस लोगे वो हालांकि उस प्रकार का नहीं होगा जिस प्रकार से आप उसे गेज करोगे, तो यह जो बात है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था दिनांक 8 नवंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना यह जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी आपको नजर आएगा उसे भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल पे हर दिन जो नए नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर दिन तुरंत मिल जाएगी।
धन्यवाद।